चांदनी नुक्कड़ की बत्ती। एक व्यस्त गली में एक खामोश नुक्कड़ पर मैं वहाँ खड़ी रहती थी। एक पुरानी नुक्कड़ की बत्ती के रूप में मैं यहाँ सालों से खड़ी हूँ। मैंने लोगों और समय दोनों को ही गुजरते देखा। कुछ समय से समय के साथ साथ मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। इतनी खुशी, इतना आनंद, कुछ उदासी। फिर भी मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगी। मुझे हर बात याद है। बच्चे मेरे करीब खेले हैं और उन्होंने किताबें पढ़ी हैं मेरी रोशनी की गर्माहट में। दोस्त जो सालों बाद मिले, जो कभी एक दूसरे को नहीं भूले। जब सर्कस शहर में आया था तो जोकर भूंपू बजाते थे और जगलर गिरते पड़ते थे। और फिर वो उसने गाया इस बीच जब मेरी रोशनी की नूर में जब वो नाच रही थी। ये ऐसा था जैसे वो मेरे लिए नाच रही हो। और फिर एक दिन वो अपने साथ किसी को लाई। वो नाच रही थी। जब वो गिटार बजा रहा था, उन्होंने चुंबन लिया और एक साथ नाचे। एक रात रोशनी के नीचे उसने उसे खुद से विवाह करने को कहा। वो रोई और फिर कहा हाँ। उस रात के बाद में अक्सर उसके नृत्य में ना देख पाती। वो कह रहे हैं कि मेरा समय आ गया है। समय आ गया है कि मुझे बदला जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात सच ना हो। काश ये सच ना हो। मुझे लगता है समय आ गया है इसे बदला जाए, माय डियर। वो अभी गैस लैंप्स लगा रहे हैं। यकीनन कुछ तो होगा जो हम इसके लिए कर सकते हैं। पूरे वक्त वो हमारे साथ रही है। वो अब परिवार का अंग बन गई है। अब उसका क्या होगा? खैर, मुझे पता नहीं। शायद वो उसे पिघलाने के लिए भेज दें और उसे किसी नई और चमकदार चीज में बदल दें। मैं नहीं चाहती कि वो किसी दूसरी चीज में बदली जाए। मैं चाहती हूँ कि वो जैसी है वैसी ही रहे। उसे किसी और चीज में बदल दोगे तो वो नहीं रहेगी जो वो थी। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? ठीक है, मुझे देखने दो मैं क्या कर सकता हूँ। शायद मैं उन्हें यकीन दिला सकूं। मैं किसी चीज का वादा नहीं करता, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कोशिश करेंगे। क्या मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ? उसने कहा कि वो कोशिश करेगा कि मैं चलती रहूं। ओ भगवान उसे बरकत दे। उस आदमी और औरत में ऐसा दिल है जो चांद के आकार का है। शायद अभी भी मुझे मौका हो। मुझे अपने दोस्तों को बताना चाहिए। अब तक उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए था। तुम्हारे ख्याल से उससे बात करने का ये अच्छा समय है? मुझे पता नहीं। मैंने सोचा था तुम्हें पता हो। तुम्हारे ख्याल से मुझे कैसे पता होगा? तुमने ये सोचा कैसे? ओह, तुम खुद को समझते क्या हो? नहीं, देखो अब तुम मुझे मत आजमाना। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तुम मुझे मत ललचाना बदबूदार टुकड़े। दोस्तों, अब ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। मेरे पास एक खुशखबरी है। शायद अभी भी मैं बचा ली जाऊं। वो एक बार कोशिश करेंगे, उम्मीद है। क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है? अभी भी मौका है। हुर्रे हुर्रे, हमारी दोस्त अभी भी हमारे साथ रहेगी। हमारी दोस्त कहीं भी नहीं जा रही। हुर्रे हुर्रे, हमारी दोस्त अभी भी हमारे साथ रहेगी। हमारी दोस्त कहीं नहीं जा रही। देखा, मैंने कहा था ना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रुको एक मिनट, मैंने तुम्हें ये बताया था। तुमने ये कहने की जुर्रत कैसे की जबकि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बताया है? मेरे दोस्त, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही तो मुझे बताया था। मेरे दोस्त, तो रुक जाओ। ये लड़ाई का समय नहीं है। तुम्हें ये बंद करना चाहिए। चुप हो जाओ। काउंसलर की पत्नी आ रही है। मेरी पुरानी दोस्त, हमने कितना कुछ देखा है।
तुम किस किस दौर से गुजर चुकी हो, दिन और रात, खुशी और उदासी, युद्ध और शांति, और फिर भी तुम वहां खड़ी रही, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, फिर भी हमारी राहें रोशन करते हुए, अपने नूर की गर्माहट हमसे बांटते हुए, हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? तुम हमारे हृदय और प्राण का हिस्सा हो। मेरी प्रिय, मुझे लगता है मेरे पास एक दुख की खबर है। मैं उन्हें यकीन नहीं दिला सका कि वो उसे यहाँ रहने दें। उन्होंने कहा है कि कल सुबह उसे हटा दिया जाए। आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। मैंने हर उपाय आजमा लिया है मेरी प्रिय, मुझे अफसोस है। ये बहुत ज्यादती लगती है। मुझे उम्मीद थी, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हमें क्षमा करना, हम तुम्हें जाते नहीं देखना चाहते। नहीं, मैं भी। आखिर वो क्षण आ गया। ये मेरे लिए अंत है। तुम किस अंत की बात कर रही हो? कोई अंत नहीं होता और कोई शुरुआत नहीं। हम सब अनंत हैं मेरी प्रिय दोस्त। क्या? तुम दोनों सावधान रहो। डरने की कोई बात नहीं है मेरी दोस्त, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ और ये दो जोकर। हे हे, हमारे स्मार्ट मजाकिया दोस्त वे भी जोकर हैं। सही कहा। सच है। ठीक है, फिर तुम्हारे साथ है वो और मैं और अनगिनत दूसरे लोग जिनके जीवन पर तुमने प्रभाव डाला है। तुम अपनी तेज में रोशन रही हो। तुम उनके द्वारा भुलाई नहीं जाओगी। तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगी। ये सच है, पर यादें, उनकी यादों के बारे में क्या? वे सब बंद कर दी गई हैं कभी ना भुलाई जाने के लिए। मैं समझती हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। जब काउंसलर आखिरी बार तुम्हारी रोशनी बुझाता है, मैं आऊंगी और तुम्हारे मन मस्तिष्क को उड़ा ले जाऊंगी। उससे हर याद मिटा दूंगी, ताकि तुम्हें उसे याद करने की पीड़ा और दुख महसूस ना हो। क्या मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक अच्छा उपहार होगा? ये होगा। तुमने कितना उदार उपहार दिया है अपने दोस्तों को। तब क्या तुम मुझे भूल गई हो? तुम्हारा पुराना दोस्त चांद। तुम और मैं अनगिनत लोगों के लिए एक ही काम करते हैं दुनिया भर में, अंधकार में उनकी राहें रोशन करना, ताकि वो भी जान ले कि कोई तो है जो उन्हें ऊपर से देख रहा है। कभी नहीं मेरे दोस्त, तुमने मुझे दिखाया कि क्या बनना चाहिए। मैं उस हर बात की कद्र करती हूँ जो तुमने मेरे लिए की है। यह अच्छी बात है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। मेरी ओर से तुम्हारे लिए उपहार तुम्हारे इन दो दोस्तों के अलावा है, ये बादल और ये तारे। हेलो मेरे दोस्त, तुम्हें हर दिन देखकर खुशी होती है अपनी रोशनी दूसरों पर चमकाते हुए। मैं तुम्हें तोहफे के रूप में ये बारिश देता हूँ, इससे तुम तरोताजा रहोगी और अपने आंसू पोंछ पाओगी। धन्यवाद मेरे दोस्त, ये बहुत सुंदर है। और साथ ही ये इंद्रधनुष भी तुम्हारे लिए है। ओह, मुझे इसे आकाश में देखना कितना पसंद है। मुझे मत भूल जाओ मेरी पुरानी दोस्त, ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम कभी भी इस रात को ना भूल सको। ये क्या है? मैं बेताब हो रही हूँ इसे देखने के लिए। ये लो, ये लो, ये तुम्हारे लिए है, ये सब तुम्हारे लिए है मेरी प्रिय प्रिय दोस्त। क्या इस सब के दौरान तुम्हें भूख लग रही है मेरे दोस्त? मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा प्रेम तुम सबके लिए है, इसके लिए धन्यवाद। तुम्हें हमें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं,
तुम्हें हमें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें हमें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हमें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। हम तुमसे प्रेम करते हैं। तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगी। जब मैं खुश हो जाऊंगा तो खास तुम्हारे लिए ही टिमटिमाऊंगा। शुभ रात्रि मेरे दोस्तों। समय आ गया है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। क्षमा कीजिए, यहाँ क्या हो रहा है? हम उसकी ज्योति बुझा रहे हैं मिस। उसे बदल दिया जाएगा। आज की रात उसकी अंतिम रात है। बहुत अफसोस की बात है, मेरी यहाँ कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। अलविदा पुराने दोस्त। अलविदा। ओह, वो क्या है? वो क्या आवाजें हैं? ओह, मेरे भगवान, मेरे पुराने दोस्त, मेरे सभी दोस्त। ओह, नंदनी बच्चों, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? तुम्हारे बिना मेरा जीवन क्या होता? ओह, धन्यवाद, धन्यवाद, सबको धन्यवाद।